इसको कहते हैं पकड़ के बजाना, इसको पकड़ के बजाना कहते हैं। घर में घुस के पाकिस्तान को 823 रन मार दिए हैं। हम तो थक गए, हम तंग आ चुके हैं, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन ये टीम नहीं रुक रही है। हर दिन नया लो पॉइंट सेट करती है, हर दिन कुछ ऐसा करती है कि हम लोग इतना इतना शेम फील करते हैं, हम लोग अपने आप से पूछते हैं कि हम इस टीम को सपोर्ट करते हैं। बुमराह दे दो, कमिंस दे दो, हेजलवुड दे दो, अरे कुछ नहीं तो रबाडा दे दो, हमारे वालों से तो नहीं होता। ये दो बार क्या एक बार भी आउट नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने बिल्कुल वही किया, वो देखते थे ना कमर्शियल, धोते जाओ, तो इंग्लैंड ने खूब धोया है। इंग्लैंड वालों ने, उन्होंने तो पता नहीं किस किस चीज के बदले लिए हैं, वो 3 गुना लगान, 2 गुना लगान और जितने गुना लगान हो सकता था उन्होंने तो भर भर के लिया, बजा दिया आज इंग्लैंड ने हमारा। यार ये जो था ना, ये सही मायनों में घंटा था, घंटा भाई। नया अब्बा मिल गया, नया अब्बू मिल गया पाकिस्तानियों को, जरा देखो भाई 262 रन रूट ने बना के आउट हुआ है भाई, 17 छक्के मारे हैं, और भाई ब्रोक जो है अभी तक नॉट आउट खड़ा हुआ है, और 294 रन बनाए हुए हैं, 3 छक्के 27 चौके मारे। ये पिच बनाकर क्या मैसेज दिया है? आपने हेडलाइन में भी सुना कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि सड़क है, कोई कह रहा है ये बॉलर्स का कब्रिस्तान है, कोई ये कह रहा है कि अगर पिच ने रवैया तब्दील नहीं किया तो ये टेस्ट मैच की मौत हो। आज सारी लिमिट क्रॉस हो गई है, इंग्लैंड 823 रन बनाकर 7 विकेटों पर इनिंग्स डिक्लेयर करके चला जाता है। यार 800 से ज्यादा रन बना दिए उन्होंने आपके अपने होम ग्राउंड में, कहां गए उन लोगों को जो ये टेस्ट मैच देख रहे हैं? क्योंकि चाहे आप टीवी पे देख रहे हो या स्टेडियम में देख रहे हो, तो सुभान अल्लाह, बड़ी हिम्मत चाहिए इस किस्म की वाहियात क्रिकेट देखने के लिए। इंसल्ट की इंसल्ट है, मतलब किसी को शर्म ही नहीं आ रही हम में से। इंग्लैंड के खिलाफ जो कि वैसे ही बैटिंग के अंदर लाठी चार्ज करते हैं, उनके खिलाफ आपने ऐसे फ्लैट डेक्स बना के क्या सबूत दिया? आपने ये सबूत दिया कि आप कितना फियरफुल हैं, कितने टिमिड अप्रोच है आप। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली पारी में 823 रन का 42 स्कोर खड़ा किया, जो रिकॉर्ड बना, क्योंकि इसमें जो रूट ने 262 रन बनाए और हैरी ब्रूट ने 317 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। जो इस तरह की ताबड़तोड़ पाली इसके पहले वीरेंद्र सहवाग ने वहाँ पर मुल्तानी किया था, और वहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने भी साथ निभाया था उनका, मुल्तान के सुल्तान तब से कहे गए थे, और वहीं पर हैरी ब्रूट ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली, और अब पाकिस्तान लगभग हार की कगार पर, क्योंकि 152 रन पर उसके 6 विकेट हो चुके हैं, एक समय तो 82 रन पर उसके 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद आएगा सलमान और आमिर जमाल ने रुक कर कुछ उसके हार को टाला, और कल के दिन के लिए गया 5वें दिन की हार, देखते हैं कितनी देर और टिक सकते हैं। नंबर वन बॉलिंग लाइनअप क्या लगा दी है, नंबर वन बॉलिंग लाइनअप को पकड़ के घुसा दिया, मेरे शाइन लंगड़े को, मेरे नसीमे को पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के डंडे दे दिया इनके अंदर। नंबर वन 823 रन खा गया, 823 रन, मतलब शर्म हया आती नहीं है, इनसे बातें करवा लो। और अब्दुल रजाक मेरे घंटे भी अब्दुल रजाक बाहर निकल, जो तू कहता है कि बुमराह तो पाकिस्तान की गली गली में है, शाहीन अफरीदी तो भाई टॉप का बॉलर है, शाहीन अफरीदी तो लेजेंड है, शाहीन अफरीदी है, ओए 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 निकल, बाहर बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। दो दो नए अब्बू मिल गए पाकिस्तान को ब्रोक और रूट जो है, दोनों नए अब्बू हैं पाकिस्तान के। तुम लोग चढ़ा रहे थे ना 201 रन पे अफगानिस्तान को, बेटा आप संभालो अपने ने दो दो बाप को इंग्लैंड ने पिटाई नहीं बिल्कुल भाई यहां तक घुसा दिया भाई यहां तक अब घुसाने के लिए इतना भी स्पेस नहीं बचा भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर के थोड़ा और घुसाया जाए बॉलर्स की हालत देखे भाई, जुबान इतनी बाहर आ गई है बॉलर्स की भाई, ना फील्डिंग हो रही है बंदों से, ना बॉलिंग हो रही अबे बेशर्मो, ये तो अगर अफगानिस्तान के साथ भी ये टेस्ट मैच रख लेते तो शायद अफगानिस्तान की टीम भी कुछ कर लेती। अभी तक 6-7 विकेट। नंबर वन बॉलिंग लाइनअप क्यूरेटर्स पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब दे दो कि अगर इंग्लैंड आपके हाथे के साथ ही 5 विकेट निकाल सकता है तो आपके बॉलर्स क्या यहाँ पर चले बेचने आए हैं? आपके बॉलर्स का क्या रोल है यहाँ पर?
रोल तो जब होगा जब फिटनेस होगी, यहाँ तो फिटनेस ही नहीं है भाई साहब, मसला सारा ये है यहाँ तो कुछ स्किल फिटनेस। एक होता है ना प्लेयर का कुछ ना कुछ उसमें खास बात होती है ना, इन्हें पावर रेटिंग आती ना, इनसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती ना, इनसे लंबे स्पेल होते हैं बॉलिंग में, ना इनकी कोई फिटनेस है, ना इनकी कैचिंग अच्छी है, इनका कुछ भी अच्छा नहीं, इनका कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त इनकी परफॉर्मेंस देखकर यार, इतना कोई दिमाग मेरा खराब हुआ हुआ है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं पता नहीं क्या करूं। आपको इनसे पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि यार टीम में मसला चल रहा है, टीम में उस खिलाड़ी ने ये किया, उसने डिसिप्लिन तोड़ा, कहा जाता है आपका डिसिप्लिन फिर आप एक्शन। इट इज सच अ बोरिंग टेस्ट मैच कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये पिचेस किसके लिए बनाते, बोल बोल के थक गए कि लोकल बॉल इस्तेमाल करें, ये बॉल भी नहीं चेंज कर रहे, खिलाड़ियों में स्किल भी नहीं है और पिचेस भी बनाना नहीं आती, इस पिच का क्या फायदा है। शुरू में रन्स बन रहे थे तो मैं मानता हूं मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान टीम से तो बैटिंग ही नहीं होती, तो यहाँ हो रही थी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये किसके लिए बनी है, जिसके लिए बनी है उससे तो रन हुए ही नहीं ना। फर्स्ट वहां से हम मैच हार गए थे, बांग्लादेश ने तो थोड़ा सा रहम कर दिया था, इंग्लैंड वैसी टीम है ही नहीं, वो रहम नहीं करती है, वो एक बार चढ़ाई करेगी और फिर करती जाएगी, ये मैच नहीं आगे के मैचेस भी आपको अंडर प्रेशर ले लेगी। वो कहते हैं ना चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमारी तो एक दिन की भी चांदनी नहीं रही, वो बस 253 की पार्टनरशिप हुई थी, वहां थोड़ा सा लगा था कि हम अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद से वो एडवांटेज भी स्लो खेल के छीन लिया हमसे और फिर इंग्लैंड अब फुल डोमिनेट कर रहा है। मुश्किल वक्त में कैसा खेलते हैं ये सीखना है तो सीखें जो रूट से, खासतौर इस सिचुएशन में कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हुआ, लेकिन ये पिच बनाकर क्या मैसेज दिया है। आपने हेडलाइन में भी सुना कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि सड़क है, कोई कह रहा है ये बॉलर्स का कब्रिस्तान है, कोई ये कह रहा है कि अगर पिच ने रवैया तब्दील नहीं किया तो ये टेस्ट मैच की मौत होगी है। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि कानपुर में टेस्ट क्रिकेट जो थी वो जीती थी जब इंडिया ने बिल्कुल बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा मैच जो बारिश की वो नजर हो गया था ढाई दिन में, उसका रिजल्ट लेके आया था इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ। और हमारे यहाँ मुल्तान में जहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया से पिच क्रिएटर बुलवा लिया लेकिन आपका कोच भी गोरा, आपकी टीम में कैप्टन भी चेंज हो गया लेकिन आपकी अप्रोच चेंज नहीं हो रही है, और वो इंग्लैंड ने बिल्कुल वही किया, वो हम वो देखते थे ना कमर्शियल धोते जाओ तो इंग्लैंड ने खूब धोया है। और इसके अंदर आप देखिए अब जो हमारे कोच हैं उन्होंने भी बॉलर्स को आके कह दिया लेकिन वो सेलेक्ट भी तो खुद ही उन्होंने वो किया है ना, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अब ये जो पिच बनाई है इसका आंसरेबल कौन है, क्या कोच को नहीं पता था ये पिच बन रही है, असिस्टेंट कोच को नहीं पता था ये पिच बन रही है, क्योंकि जब बांग्लादेश के खिलाफ पिच बनाई गई थी वो एक कॉम्पिटिटिव पिच थी और बांग्लादेश की बॉलिंग कहीं ना कहीं हमसे स्ट्रांग थी। अब आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो कि वैसे ही बैटिंग के अंदर लाठी चार्ज करते हैं उनके खिलाफ आपने ऐसे फ्लैट डेस्क बना के क्या सबूत दिया आप। 556 करके बड़ी 556 करके बड़ी भाई बड़ी आपने आवाजें उठाई हुई थी, घंटे के किंग निकल पाए रहा वो, मुझे बताना ये क्या है, ये क्या था, ये क्या है, इसको इसको कौन इस पे कौन बात करेगा, कौन बात करेगा इस पे आके यार बताओ ना। 317 रन आप हैरी ब्रोक से खा रहे हो, 262 आप जो रूट से खा रहे हो, 823 आप इंग्लैंड से खा रहे हो और कहते हो आपकी बॉलिंग नंबर वन है, आपकी बॉलिंग दुनिया की टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप है, आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर है। और शर्म कर लो, जो टीम अपने घर में घुस के, जो टीम अपने घर में मार खा रही है, जो टीम अपने मतलब की पिच बना के उस पे हग के अगली टीम से रन करवा रही है वो टीम क्या ही करेगी वो। तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे, लुंगी और बंगी दोनों की बेइज्जती, गजब के जनाजे निकल रहे, मजे मजे इसकी मां का शर्म भी नहीं आती सालों को। बड़ा मजा आ रहा है सोशल मीडिया में, यूट्यूब और फेसबुक में इतना सन्नाटा है, एक पाकिस्तानी 1,00,000 रुपए में भी नहीं मिलेगा आपको। सब छुपे हुए हैं भाई, ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है भाई, छोटे छोटे बच्चे बैनर उठा के खुद पाकिस्तान के ग्राउंड में आ रहे हैं, बोल रहे हैं इस पे तो 8 साल के बच्चे बोल रहे हैं कि इस पे तो हम भी 100 बना। कितना बेइज्जत हो गए अबे, कितना बेइज्जत हो गया सालों, घंटों। पहले तो लोग बोलते थे बाबर आजम घंटा है, नहीं भाई ये पूरा एक दर्जन घंटे लेके आए हुए हैं भाई, 12 के 11 के 11 घंटे।
मजा आ रहा है यार। ये सबूत दिया कि आप कितना फियरफुल हैं, कितनी टिमिड अप्रोच है आपकी, या वो जो आप एक उस अप्रोच की बात कर रहे थे कि हम अब एक नई अप्रोच से खेलना चाहते हैं, अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, तो ये इस पिच पे आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ रिजल्ट आएगा? लेकिन जैसे आगा सलमान ने कहा था कि रिजल्ट आएगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम खेल रही है, सो इंग्लैंड की टीम खेल रही है तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि इंग्लैंड के हक में। आगा सलमान को अपनी बैटिंग पे पूरा भरोसा है, उनको पता है कि पाकिस्तानी बैटिंग क्या, शायद इसलिए उन्होंने कहा कि रिजल्ट आ सकता है। इंग्लैंड का नाम लिया था कि वो कुछ करते हैं, लेकिन कहा है शायद इसलिए कि उनको पता है दूसरी इनिंग पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो किस अंदाज से खेल सकती है। दोबारा सही में आप किस तरह देखते हैं कि इससे पहले हमने देखा सर महमूद कहते हैं भाई पिंडी की पिच समझ में नहीं आई, अभी हमें जैसन गिलेस्पी कहते नजर आ रहे हैं कि जो पिच पे है जो है वो पैचेस के ऊपर बॉल नहीं की है बॉलर ने, तो फिर फायदा क्या है इतने सारे कोचेस रखने का कि जब आप आके आपको एक्सक्यूज ही देना है मुझे आपको, या चले आप तो फिर भी एक बड़े क्रिकेटर है, बड़ा आपका नाम है, मुझे एन को या मेरे प्रोड्यूसर जो है फैजान मुस्तफा ने इनको कोच रख लें, ये बातें तो हम दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया कितनी जलील कर रही है पाकिस्तान के क्रिकेटरों को कि जब 550 बनाए तो लग रहा था कि हाँ ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इनकी बॉलिंग बोलते हैं कि नंबर वन है और बॉलिंग इस तरह की है कि उसके इंग्लैंड के पूरे खिलाड़ी को नहीं आउट कर सके। 823 रन पर इंग्लैंड ने बाली घोषित कर दी और इस तरह इसके कितना बड़ा खिला। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नए वीडियो।